हेलो एवरीवन, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं ये ड्राइंग को ऑटोकैड में। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा स्टेप है और सिंपल सा ड्राइंग है। तो सबसे पहले आप सबसे इजी पार्ट को ड्रॉ कीजिए जो आपको सबसे इजी लगता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बना सकते हैं या तो ये दो सर्कल्स या फिर आप इस तरह का एलिप्टिकल शेप पहले क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बनाऊँगा सबसे पहले ये शेप एलिप्टिकल, उसके बाद मैं सर्कल को क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से अपने लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम लोग दो सर्कल क्रिएट करेंगे यहां पे, ये वाला और जो इस तरह का सेमी सर्कल यहां पे हमें दिख रहा है। तो हम लोग फुल सर्कल बना लेंगे यहां पे। आप देख सकते हैं छोटा वाला का डायमीटर गिवन है 0.76 और बड़े वाला का डायमीटर है यहाँ पे 1.5। तो आपको सिंपल यहां से टाइप कर लेना है C फॉर सर्कल, प्रेस करना है इंटर, ओके। उसके बाद आप यहां पे स्पेसिफाई सर्कल यहां पे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे डालना है डायमीटर का वैल्यू। तो डायमीटर का वैल्यू के लिए हम लोग प्रेस करते पहले D, उसके बाद इंटर, उसके बाद वैल्यू डालेंगे छोटे वाले सर्कल का 0.76, प्रेस इंटर, अगेन प्रेस स्पेस बार टू रिपीट दिस कमांड और यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ योर राइट माउस बटन टू रिपीट दी सर्कल। तो स्पेस बार दबा के हम लोग फिर से सर्कल कमांड को एक्टिव कर चुके हैं और फिर हम लोग सेम सेंटर पॉइंट से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बड़ा वाला का डायमीटर था 1.5, तो 1.5, चलिए 1 मिनट, डी प्रेस इंटर एंड 1.5 प्रेस इंटर, ओके इतना हो गया। अब हम लोग इस दोनों सर्कल को नीचे कॉपी कर लेंगे। कितना डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 पे हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, जो कि ठीक इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि सेम सर्कल है यहाँ पे। तो 1.25 का हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे डाउनवर्ड। सो कॉपी कमांड के लिए आपको टाइप करना है CO, प्रेस इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सर्कल्स, प्रेस इंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट आपको एज अ सेंटर पॉइंट देना है और आपको डाउनवर्ड इसको कॉपी कर देना है 1.25, प्रेस इंटर, इतना हो गया। देन एस्केप की टू एग्जिट दिस कॉपी कमांड। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस सर्कल के क्वाड्रेंट से इस तरफ लाइन जोड़ देंगे, सर्कल टू सर्कल क्वाड्रेंट जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे लाइन, यहाँ पे भी लाइन जोड़ देंगे, यहाँ पे भी लाइन, यहाँ पे भी लाइन, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ से लाइन कमांड ले लेंगे और सर्कल आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट शो होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस सर्कल के क्वाड्रेंट से आपको इसको अटैच कर देना है। देन प्रेस एस्केप की, राइट क्लिक और फिर माउस बटन, रिपीट लाइन, इसको इससे जोड़ देंगे, तो इतना हो गया। अब हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे ताकि हम लोग को उस तरह का शेप मिल जाए। सो ट्रिम के लिए आपको टाइप करना है TR और डबल इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिमूव करते जाइए जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, वी डोंट वांट इन दिस ड्राइंग, सो जस्ट रिमूव इट, इस तरह से हम लोग जो है रिमूव कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे बच रहा है जूम करने के बाद, तो हम लोग इसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का शेप हमारा वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे ये दो सर्कल को। तो उसके लिए आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है। तो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ पे जाना आपको 5.5, फिर ऊपर हम लोग मूव होंगे 2.75 और सर्कल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से लाइन ले लेंगे सबसे पहले, तो इस सेंटर से हम लोग इसको ट्रैक कर लेते हैं। ग्रीन पॉइंट जो शो हो रहा है वो आपका ट्रैकिंग पॉइंट है। तो डिस्टेंस डाल देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में 5.5, प्रेस इंटर, उसके बाद हम लोग
आपको ऊपर डिस्टेंस लेना है 2.75, ओके यहाँ पे 2.75, तो अपवर्ड हम लोग जाएंगे 2.75, प्रेस इंटर देन एस्केप की। अब हम लोग यहाँ पे दो सर्कल्स को क्रिएट करेंगे, जो कि रेडियस अंदर वाला है 0.38, बाहर वाला 0.75। तो उसके लिए आपको टाइप करना है सी फॉर सर्कल, प्रेस इंटर, और फिर यहाँ से आप एक सर्कल को क्रिएट कर लीजिए। और रेडियस में आपको जस्ट सिर्फ वैल्यू डालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे छोटा वाला के लिए 0.38, प्रेस इंटर, उसके बाद स्पेस बार टू रिपीट द सर्कल कमांड। इसी सेंटर पॉइंट से हम लोग बड़े वाला सर्कल क्रिएट करेंगे 0.75 का, 0.75, प्रेस इंटर। ऑलराइट, इस लाइन का काम हो चुका है, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ये जो कर्व जो हमारा पास हो रहा है इस सर्कल के जो टेंजेंट, इस सेमी सर्कल के टेंजेंट से, इस सर्कल के टेंजेंट से ये अटैच है, ये जो है हमारा कर्व, ओके। तो हम लोग इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेंट एंड रेडियस। उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस गिवन है 6। तो आपको जाना है सर्कल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, आपको टेंट एंड रेडियस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और आपको फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इधर यहाँ पे क्लिक करना है, सेकेंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और रेडियस का वैल्यू डालना है 6, प्रेस इंटर। इतना हो गया। जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर जा रहा है हम लोग इसको ट्रिम करेंगे, सो TR डबल इंटर, आपको जस्ट सिंपल एक टच करना है यहाँ पे, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग इस तरह का कर्व को बनाने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन कर्व को बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे रेडियस 1 का इस तरह का कर्व आया हुआ है, तो सिंपल आपको एक लाइन लेना है पहले। उसके बाद यहाँ पे एट रैंडम आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, स्केप की, और उसके बाद आप यहाँ से टेंट एंड रेडियस का यूज़ कीजिए। यहाँ पे एक क्लिक कीजिए इस टेंजेंट पे और इस लाइन के टेंजेंट पे, और आपको वैल्यू डालना है 1, जो कि रेडियस का है, और प्रेस करना है इंटर। ऑलराइट, इतना हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से इस तरह का जो कर्व पास हो रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे सेम टेंट एंड रेडियस से। तो टेंट एंड रेडियस आपको ले लेना है, और देखिए यहाँ पे रेडियस इसका 4 गिवन है, तो हम लोग फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करेंगे, और सेकेंड जो ये कर्व जो हम लोग अभी बनाए हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना है, सेकेंड आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस का वैल्यू डालना है, दैट इज 4, प्रेस इंटर। ऑलराइट, देन वी हैव टू ट्रिम द एक्स्ट्रा पोर्शन, सो फॉर ट्रिम TR डबल इंटर एंड जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा पोर्शन, remove this, and this line, okay, all right, and this line also, click to the line. इसको ट्रिम कर लीजिए TR डबल इंटर, और जहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन पास हो रहा है हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे, ओके। सो ट्रिम हो चुका है। तो अब जो हम लोग का लास्ट पोर्शन है वो है इस सर्कल को क्रिएट करना। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्टेंस है इस तरफ 1.25, और फिर यहाँ से इस तरफ का डिस्टेंस है 3.4। तो हम लोग पहले यहाँ से लाइन को यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं अपवर्ड, जो कि है 1.25, सो 1.25, प्रेस इंटर। उसके यहाँ से 3.4 है, सो 3.4, प्रेस इंटर, देन एस्केप की। दो सर्कल्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, डायमीटर 1.12 और 0.5 का। तो सर्कल आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, डी प्रेस इंटर, 1.12, प्रेस इंटर, देन स्पेस बार टू रिपीट दिस सर्कल कमांड, और दिस टाइम डी इंटर, और छोटे वाला का वैल्यू है 0.5, प्रेस इंटर, 0.5, प्रेस इंटर। ऑल राइट,
डिलीट दिस लाइन। तो अब यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, आप यहाँ से लाइन कमांड का यूज़ कर लीजिए और यहाँ से इस क्वाड्रेंट से नीचे आप एक लाइन ले लीजिए एट रैंडम। उसके बाद आप यहाँ से भी आप एक लाइन ले लीजिए इस क्वाड्रेंट से, ओके ऑल राइट। उसके बाद आप यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज़ कर लीजिए, सो फॉर दैट टी आर डबल इंटर आपको प्रेस करना है और उसके बाद इसको आप ट्रिम कर लीजिए यहाँ से, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर लीजिए, इस सर्कल को भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। वी नीड जस्ट हाफ अ पोर्शन ऑफ अ सेमी सर्कल, ओके लाइक दिस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं फिलेट किया हुआ यहाँ पे रेडियस 0.38 का। तो फिलेट के लिए आपको टाइप करना है एफ़ और प्रेस करना है इंटर। उसके बाद आपको रेडियस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और वैल्यू डालना है 0.38, प्रेस इंटर, ओके। आपको फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना लाइन पे, सेकंड इस कर्व पे, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम लोग लेंगे यहाँ से टेंट एंड रेडियस, उसके बाद आपको फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना है, सेकंड इस कर्व पे और सेम रेडियस डालना है 0.38, प्रेस इंटर, ऑलराइट। अब हम लोग बस ट्रिम कर देंगे तो हम लोग का ड्राइंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो टी आर डबल इंटर को प्रेस करना है और इसको आप रिमूव कर लीजिए यहाँ से। जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, आप इसको भी यहाँ से ट्रिम कर लीजिए, इसको ट्रिम और फाइनली ये ट्रिम। तो आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइंग जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। एक्चुअली जस्ट अ मिनट, टी आर डबल इंटर आपको प्रेस करना है, गलती से वो भी जो है रिमूव हो गया था। तो आप अच्छे से इसको रिमूव कर लीजिए, स्किप की, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ड्राइंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। तो इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ वो ताकि आराम से पहुंच जाए, ठीक है। बस गाइस, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हेयर।